वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भानु प्रकाश बायोलॉजी। इंसेक्ट पेस्ट कैटेगरी में आज हम एक इंसेक्ट को डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है लोकस्ट, जिसको जनरली आप कॉमन नेम से ग्रास हॉपर या टिड्डी के नाम से जानते हैं। हम इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले इसके जो होने वाले डैमेज है उसका एक अनुमान लगाएंगे। विश्व में ये एक पर्टिकुलर एरिया को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुँचाता है और इसके नुकसान का अनुमान हम इस तरह लगा सकते हैं कि जिस एरिया में ये एक तरीके से आते हैं तो वहाँ पर ये बहुत बड़े झुंड के रूप में पहुँचते हैं और झुंड में पहुँचने के साथ ही वहाँ उपस्थित जो भी फसल है, फसल के साथ साथ उस एरिया की जो वनस्पतियाँ हैं उन वनस्पतियों को भी 100% या क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। तो काफ़ी बड़े मात्रा के अंदर ये नुकसान पहुँचाने वाला इंसेक्ट है। हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन में आप देखो, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, और ऑर्डर की बात करें हम, ये ऑर्डर ऑर्थोपटेरा का मेंबर होता है। हम ऑर्थ्रोपटेरा के रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन करेंगे। ऑर्थ्रोपटेरा के इंसेक्ट जो होते हैं वो होपर टाइप के, यानी कि ये कूद कर या उछल कर चलने वाले होते हैं। इसके लिए इनकी जो पीछे की जो टांगें होती हैं वो स्पेसिफाई होती है, लंबी होती है, जो इनको जंप करवाने या उछलने में क्या करती है, सहायता देती है। तो इस तरीके से ये इस ऑर्थ्रोपटेरा की खासियत हुई। फैमिली इसकी एक्रिडीडी। एक्रिडीडी जो है इसके अंदर विशेष तौर पर एंटीना के करेक्टर के आधार पर जो है इसको अलग अलग फैमिली में डिवाइड किया गया। ये एक्चुअल में एंटीना जो है काफ़ी लंबे रखते हैं, तब इस वजह से इसे फैमिली एक्रिडीडी के अंदर रखा जाता है। हम बात करेंगे इसके जीनस और स्पीसीज के रिगार्डिंग। तो जीनस के रिगार्डिंग हम बात करें तो इसके तीन मेन जीनस हैं, साथ में इनकी जो स्पीसीज है उनको भी हम देखेंगे इसके अंदर। तो मेजर जो स्पीसीज और जीनस है इसके अंदर, सबसे पहले इसके अंदर पतंगा सक्सीनेटा। तो पतंगा सक्सीनेटा, जिसको आप बॉम्बे लोकस्ट भी कहते हैं, बॉम्बे लोकस्ट की जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है, वो मेन जो है गुजरात, तमिलनाडु के अंदर जो है ये मतलब पाया जाता है, और ये साल में एक बार जो है रिप्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से ये इसकी जो मतलब कुछ जनरल करेक्टर हुए। हम इसके जो फोटोग्राफ है उसको देखें तो ये आपका पतंगा सक्सीनेटा का जो है मतलब फोटोग्राफ है। इसी तरीके से हम दूसरी जो है इसकी वेराइटी को देखें तो दूसरी वेराइटी इसके अंदर रहेगी लोकस्टा माइग्रेसिया, लोकस्टा माइग्रेटोरिया। तो इसके आप माइग्रेटरी लोकस्ट के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं। तो ये फोटोग्राफ में इसकी जो मतलब इमेज है, ये मेनली राजस्थान और गुजरात के एरिया के अंदर पाए जाते हैं, और साल में ये दो बार रिप्रोड्यूस करते हैं। दो बार रिप्रोड्यूस करने में ये एक बार तो जो गर्मी का, सर्दी का सीज़न होता है, जैसे कि आपका जो पतझड़ के समय या फिर उससे पहले जो मतलब आपके सर्दी में जो एक हल्की बारिश जो होती है, उस बारिश को आप सामान्य भाषा के अंदर, राजस्थान के अंदर यदि हम बात करें तो उसे मावठ कहते हैं। तो उस मतलब मौसम के अंदर जो है, नमी के अंदर ये पनपते हैं। इसी तरीके से दूसरे जो है मतलब इसका ब्रीडिंग टाइम होता है वो रहता है इसके अंदर समर, जो मेन इसका ब्रीडिंग टाइम होता है, जिसमें ये बरसात की जो नमी होती है उसके अंदर ये विशेष तौर पर जो है मतलब सर्वाइव करते हैं। फिर इसकी लास्ट जो मतलब वेराइटी रहती है वो रहती है इसके अंदर सिस्टोसरका ग्रिगेरिया। सिस्टोसरका ग्रिगेरिया, इसे आप डेजर्ट लोकस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये आप इसकी फोटोग्राफ देख रहे हैं, इसमें आप देखें कि भी इसके कुछ करेक्टर हम देखेंगे इसके अंदर। ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट होने वाली वेराइटी है, मतलब इसका जो है मतलब एक देश से दूसरे देश तक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बड़ा साम्राज्य या हम कह सकते हैं कि रेंज में ये पाया जाता है, जिसमें ये साउथ एशिया में विशेष तौर पर ये पाया जाता है। इसके अलावा वेस्टर्न और नॉर्थन अफ्रीका के अंदर भी पाया जाता है, मतलब ये इंटरकॉन्टिनेंटल, मतलब कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट से भी ये जा सकता है। इसी तरीके से लगभग 60 जो देश हैं उन देशों के अंदर इसका जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर प्रकोप रहता है, जिसमें आपके विशेष तौर पर जो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, अरब एरिया जो होता है उनमें ये विशेष तौर पर क्या करता है, सर्वाइव करता है।
देखो काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर ये मतलब अपनी ये वेराइटियाँ रख रहा है। इन वेराइटियों की मतलब बारे में हम कुछ और भी हम जानकारी लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ हमारा जो थीम रहेगी यानी कि जो हमारा ये टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे वो सिस्टोसरका ग्रिगेरिया के रिगार्डिंग जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं। हम इसके कुछ और पॉइंट डिस्कशन करने वाले जिसमें इसके होस्ट या जो इसका फीड का जो मेन प्लांट होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये पॉलीफेगस इंसेक्ट कैटेगरी के अंदर रखा जाने वाला इंसेक्ट होता है, जिसमें पॉलीफेगस मींस क्या होता है कि एक पर्टिकुलर क्रॉप को न खाकर ये सारी तरीके की जो अलग अलग प्रकार की वेराइटी है उन वेजिटेशन को ये भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। जैसे कि पहले इंट्रोडक्शन में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, मतलब ये सारी तरह की वेजिटेशन को ये खा सकता है, ठीक है, कुछ स्पेशल जो वेजिटेशन उनको छोड़कर। इसके बाद हम बात करें इसके कुछ और करेक्टर के बारे में। अडल्ट्स जो है वो जनरली दो फेजेस के अंदर पाया जाता है। इसकी जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर हम दो फेजेस जो है वो देखते हैं इसके अंदर। तो इसमें एक तो फेज इसकी रहती है सोलिटरी फेज और दूसरी इसके अंदर ग्रिगेरियस फेज। सोलिटरी फेज जो है इसको आप हिंदी में एकल अवस्था के नाम से भी जानते हैं। इस एकल अवस्था के अंदर ये अकेला रहता है, ठीक है, जिसमें इसका ग्रीन कलर होता है और कोई भी उसके अंदर ब्लैक स्पॉट जो है वो इसके अंदर दिखाई नहीं देते और सॉफ्ट नेचर होता है और मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि भी ये बहुत ही कम मात्रा के अंदर जो है मतलब नुकसान पहुंचाने वाली कैटेगरी है। तो ये एक तरीके से नॉर्मली अपने जो जीवन को है वो एक तरीके से सोलिटरी फेज के अंदर ही व्यतीत करता है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन होती है उस कंडीशन के अंदर ये एक अपना ग्रिगेरियस फेज के अंदर आ जाता है। और ग्रिगेरियस फेज के अंदर आप उसे हिंदी में यूथी अवस्था भी कहते हैं, मतलब इस कंडीशन में वो क्या करेगा, एक तरीके से ग्रुप बनाएगा। तो इसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उस कंडीशन के अंदर ख़तरनाक माना जाता है उसके अंदर, जैसे कि इसको आप कॉमनली प्लेग या आफत या महामारी के रूप में इसे जानते हैं, क्योंकि यही अवस्था इसकी जो होती है उसमें जो है मतलब ये बहुत बड़ा ग्रुप बनाता है और ग्रुप बनाकर जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुँचाता है। इन स्टार्टिंग के अंदर इसका जो कलर होता है वो मतलब इस फेज के अंदर पिंक और ब्राउन कलर का और ब्लैक स्पॉट इसके अंदर पाए जाते हैं और फिर बाद में जो है ये अपने शरीर को जो है कन्वर्ट कर लेता है येलोइस रिप्रोडक्शन के दौरान, मतलब अपने शरीर का जो कलर है वो पीले रंग का कर लेता है, जिसमें वो बाद में क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। ये डायग्राम में आप देख रहे हो, तो इस तरीके से ये इसकी जो है मतलब स्टेजेज हुई। फिर बाद में इसका एक और मतलब पॉइंट हम डिस्कशन करें, दे मेक लार्ज ग्रुप विथ थाउजेंड्स मेंबर, हज़ारों की संख्या के अंदर ये क्या करते हैं कि भी इकट्ठे होकर एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं और माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट्स मीन्स क्या कि भी ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाते रहते हैं और इनके माइग्रेशन की रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इवन इनकी मैक्सिमम रेंज को 1800 किलोमीटर तक जो है नोट किया गया, मतलब इतनी ज़्यादा लंबी दूरी तक को ये क्या करते हैं, उड़कर तय करते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी लंबे एरिया को ये कवर करते हुए और वहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुँचाते हैं। ये रात के समय में वो अपने माइग्रेशन को रोक देते हैं, मतलब जब ट्रेल करते हैं या उड़ते हैं सब रात के समय ये रेस्ट करते हैं और जहाँ पे ये रेस्ट करते हैं उस जगह पर ये मतलब मौजूद जो वेजिटेशन है या फसल है उसको रातों रात साफ़ कर देते हैं, बिल्कुल एकदम सफाचट जिसे हम कहते हैं वो कर देंगे और एक तरीके से कुछ नहीं बचेगा वहाँ पर। और दिन के समय में फिर से ये उड़ान भरने के लिए तैयार होते हैं। और एक और ख़ास बात, जहाँ पर ये एक तरीके से रेस्ट करते हैं उस जगह पर ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं, तो एक तरीके से उस एरिया को ये स्पेशली चुनते हैं जहाँ पर खाने के लिए एक तरीके से वेजिटेशन उपलब्ध हो, प्लस उसमें वहाँ एप्रोक्रिएट कंडीशन ऐसी हो कि वहाँ आसानी से ये क्या कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके या अंडे दे सके। अब बात करें इसके अंदर कि भी ये जो इसका ग्रिगेरियस फेज है वो कब बनती है, क्यों बनती है, उसके रिगार्डिंग जो है कौन से फैक्टर जो है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक थ्योरी कुछ साइंटिस्ट ने जो है मतलब इसके रिगार्डिंग जो थ्योरी प्रपोज की है, जिसमें एक साइंटिस्ट हमारे जिसको हम यहाँ इस पॉइंट में डिस्कशन करेंगे, डॉक्टर A.S. प्रधान, उन्होंने जो है मतलब इसके रिगार्डिंग एक बायोटिक थ्योरी, जैविक सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, उसको प्रपोज किया। और इस बायोटिक थ्योरी में क्या कहा जाता है कि भी इस प्रोसेस के लिए क्लाइमेटिक एक्सट्रीम यानी कि जलवायुवीय चरम अवस्था के अंदर हो तब वो क्या होता है कि भी एक तरीके से इस ग्रिगेरियस फेज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है।
लोकस्ट के अंदर। तो यहाँ पर ये क्या करता है कि भी एक तरीके से ये जलवायु परिस्थितियाँ या एक्सट्रीम जो कंडीशन है वो कौन सी होती है, जैसे कि यदि इनके जो मतलब एनिमी जो होते हैं, इनको मारने वाले जो शिकारी जो होते हैं वो यदि ख़त्म हो जाए वातावरण के अंदर, तब उस कंडीशन में ये इनके बड़े झुंड बनने की संभावना हो जाती है। इसी तरीके से यदि इनको जो है मतलब कुछ स्पेशल कंडीशन के अंदर फूड उपलब्ध नहीं हो, तब उस कंडीशन में ये क्या करते हैं कि भी एक तरीके से एक बड़ा झुंड बनाकर और काफ़ी लंबे दूरी पर ये एक तरीके से ट्रैवल करते हुए और काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर ये नुकसान पहुँचाने की परिस्थिति को रखते हैं इसके अंदर। तो यहाँ हमने बात करी कि भी एनवायरमेंटल कंडीशन या कुछ स्पेशल जो है मतलब क्लाइमेटिक जो एक्सट्रीम्स होती है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो एक रिपीट टाइम के अंदर या एक स्पेसिफिक पीरियडिक टाइम के अंदर ही इनके जो है मतलब ग्रिगेरियस फेज में होने को क्या करता है एक तरीके से जो हम कह सकते हैं कि भी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है इसके अंदर। देखो इंडिया के अंदर इसके रिगार्डिंग जो है कुछ ये जो स्वार्म या एक तरीके से झुंड का जो आक्रमण हुआ था उसकी जो कुछ डाटा हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। इंडिया के अंदर 1901 से लेकर 1903 तक जो है मतलब इनके रिपीटेड जो है मतलब अटैक हुए थे। इसी तरीके से हमारे 1906 से लेकर 1907 के अंदर जो है मतलब एक तरीके से इनकी जो रिपोर्टिंग की गई है। इसी तरीके से 1912 से लेकर 1915 तक जो है मतलब इनके झुंड का अटैक हुआ है। इसी तरीके से 1940 से लेकर 1946 तक काफ़ी लंबे समय तक जो है मतलब बार बार ईयर बाय ईयर जो है मतलब इनका रेगुलर जो है मतलब ये अटैक हुआ है। इसी तरीके से 1926 से लेकर 1931 जो है वो भी एक डाटा है। इसी तरीके से आपका 1948 से लेकर 1956 के अंदर ये काफ़ी लंबा पीरियड रह जाता है। इसी तरीके से 1959 यानी कि 1959 से लेकर 1962 तक ठीक है इनका अटैक हुआ, लेकिन काफ़ी लंबा गैप रहा है बीच में। उसके बाद में हमारे जो है मतलब 2020 के अंदर मतलब इस तरीके की जो अभी हमारे लेटेस्ट जो है इसके दल का आक्रमण हुआ है, जिसमें हमने इनके जो है अटैक को देखा भी है आंखों से जो है मतलब पर्टिकुलर जो नॉर्दर्न एरिया पंजाब हरियाणा राजस्थान और यूपी एरिया के अंदर जो है मतलब इनका जो है मतलब ये एक तरीके से जो अटैक हुआ है उसको 2020 के अंदर भी एक तरीके से देखा गया। फिर बाद में बात करेंगे इसके अंदर कि भी इसका जो ये मतलब जो एक झुंड होता है उस झुंड का किस तरीके से ये अपने आप को रेगुलेट करते हैं या अपने जो है मतलब प्रोसेस को ये शुरू करते हैं। तो इसमें ये क्या करते हैं, फर्स्ट रिप्रोड्यूस विंटर रेन यानी कि ये मतलब सर्दियों के समय में जो बारिश होती है विशेष तौर पर जो अरब कंट्री है उनके अंदर ये बारिश जब होती है तब उस कंडीशन में ये वहाँ पर रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें सहारा लीबिया इजिप्ट और साउथ अरेबिया। उसके बाद में जो है मतलब ये रिप्रोड्यूस करने के लिए पर्टिकुलर जो है मतलब जो गर्मी के समय में बरसात जो हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट क्षेत्र जो होता है उसके अंदर जो है मतलब ये रिप्रोड्यूस करने के लिए आते हैं, जिसमें ये अपने पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ ही इंडिया इंडिया का जो एरिया जो थार डेजर्ट है उस थार डेजर्ट के अंदर ये रिप्रोड्यूस करने के लिए गर्मियों के समय में जो बारिश का मौसम वहाँ पे होता है तब उस समय वहाँ पर क्या करते हैं एक तरीके से सर्वाइव करते हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे इसके कुछ अडल्ट्स के जो एक्सटर्नल फीचर है उसके रिगार्डिंग। तो अडल्ट्स में देखो इसके अंदर अडल्ट्स में अपर सरफेस जो है वो डार्क ब्राउन होती है, इसमें माउथ पार्ट के अंदर जो है मतलब मैंडिबल्स होते हैं और मैंडिबल्स जो है वो इसके जो है मतलब फूड को चबाने में क्या करते हैं ये हेल्प करते हैं। इसी तरीके से पैर मतलब लॉन्ग जो है एंटीना इसके अंदर पाए जाते हैं। इसी तरीके से दो जोड़ी इसके अंदर पंख पाए जाते हैं, हालांकि इसके अंदर जो पंख होते हैं उन पंखों के अंदर जो फोरविंग जो होते हैं वो फोरविंग जो है वो थोड़े से लेदरी टाइप के होते हैं, मेम्ब्रेनस नहीं कह सकते, लेकिन जो हाइंड विंग है वो प्योरली आपको मेम्ब्रेनस दिखाई देंगे। इसी तरीके से इनके जो पोस्टीरियर लेग जो है वो क्या होते हैं लंबे होते हैं। तो इस तरीके से ये इसके जो है मतलब एक्सटर्नल फीचर के बारे में बात हुई। हम इसके लाइफ साइकिल के रिगार्डिंग बात करें, लाइफ साइकिल हालांकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन फिर भी हम इस लाइफ साइकिल को जो है मतलब यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके जो है रिप्रोडक्टिव पीरियड के बारे में बात करें, तो ये सर्दी और गर्मी समर एंड विंटर दोनों के अंदर जो बारिश का मौसम होता है उसमें ये क्या करते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं। और
रिप्रोड्यूस करने के दौरान जो है ये फीमेल जो होती है, मेल और फीमेल मेटिंग करते हैं, मेटिंग के बाद में जो फीमेल होती है वो एक स्पेशल तरीके से जो है ज़मीन के अंदर अंडे देती है। ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, ज़मीन के अंदर इसका जो फीमेल का पोस्टीरियर एब्डोमन से जुड़ा हुआ या पिछला जो ओविपोजिटर जो पार्ट होता है वो ज़मीन के अंदर लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई के अंदर इस तरीके से ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर के अंदर ये क्या करता है कि भी ये अपने अंडों को देता है। और अंडे देने के लिए स्पेसिफाई ये जो मिट्टी होती है उसका चुनाव भी ये विशेष तौर पर, यानी कि सोइल है उसका भी एक स्पेसिफिक चुनाव होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर जो इसके अंडे हैं उनके बारे में बात करेंगे हम इसके अंदर। तो देखो इसके अंदर इस जो मिट्टी का जो गड्ढा होता है उसके अंदर आपने जो है मतलब फीमेल ने अंडे दिए, तो उन अंडों की खासियत हम देखेंगे इसके अंदर। एग्स जो है वो लगभग अंडे जो है वो 100 से लेकर 150 की संख्या के अंदर, और पर्टिकुलर इस तरीके से ये अरेंज जो है वो आपको इसके अंदर मिलेंगे इसके अंदर। और झुंड के रूप में ये अंडे दिए जाते हैं, और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को आप एग पॉड कह सकते हैं। और एग पॉड जो है वो मॉइस्ट जो सॉइल है उसके अंदर विशेष तौर पर ये बनाए जाते हैं इसके अंदर। और अंडों की बात करें तो अंडे जो होते हैं इसके अंदर आपके जो चावल या राइस का जो सीड होता है, बीज होता है, उसी तरीके से या चावल का जो दाना होता है उसके समान इसका साइज और आकार होगा इसके अंदर। और कलर उसका वाइट येलोइश जो है उसका कलर होता है, ठीक है। और हैचिंग जो टाइम होती है इसकी लगभग 4 वीक होती है। 4 वीक्स मीन्स आपके लगभग 4 सप्ताह के अंदर उन अंडों से जो मतलब एक तरीके से लगभग 2 से 4 सप्ताह के अंदर जो है लगभग उसके अंदर यंग वन निकल आते हैं, ठीक है। और लार्वा नहीं होते इनके अंदर, जो छोटे जो एक तरीके से लोकस्ट होते हैं उनको आप जो है मतलब एक तरीके से निम्फ बोलते हैं। तो अगली जो स्टेज इसके अंदर एग के बाद में रहेगी इसके अंदर निम्फ रहेगी। आफ्टर हैचिंग जो यंग्स जो है ज़मीन से बाहर की तरफ निकल आते हैं उनको आप निम्फ या होपर के नाम से भी जानते हैं, तो इस स्टेज को आप होपर स्टेज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे ये जो छोटा होपर है, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा, तो इस तरीके से रेगुलरली अब इसके अंदर क्या होती रहेगी अपने साइज़ को इंक्रीज करने की प्रोसेस को ये बनाता रहेगा। और इस तरीके से लगभग 3 से 10 सप्ताह के अंदर ये अपने अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें ये फर्स्ट इंस्टार लगभग 4 mm साइज़ का होता है, और सेकेंड इंस्टार जो है वो इसका जो है मतलब 8 mm साइज़ का होता है, थर्ड इंस्टार जो है वो 12 mm साइज़ का होता है, फोर्थ इंस्टार जो है मतलब आपका 18 mm होता है, फिफ्थ इंस्टार जो है वो आपके 22 mm साइज़ का जो है मतलब ये लगभग होता है। तो इस तरीके से फाइनली जो है मतलब ये छोटे बच्चे जो होते हैं वो अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और अडल्ट जो है वो लगभग 10 से 15 दिन के अंदर रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से मतलब ये जब अटैक करते हैं तब उस समय जो अंडे दिए जाते हैं उन अंडों से अगली जो स्टेज आएगी उससे मतलब नेक्स्ट जनरेशन तैयार होकर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर बाद में भी संभावना रहती है कि भी वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाए। तो ये इस तरीके से इसका जो है लाइफ साइकिल रहता है। हालांकि इसमें जो रेन है या क्लाइमेटिक कंडीशन है उसका बड़ा रोल होता है। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ इसके लाइफ साइकिल को डिस्कशन करा। लाइफ साइकिल डिस्कशन करने के बाद में हम यहाँ देखें इसके अंदर डैमेज। डैमेज की हम एक तरीके से बात करें तो यहाँ पर इनके जो दोनों अडल्ट्स और निम्फ्स दोनों जो है मतलब 100% डैमेज करते हैं। और 100% डैमेज के अंदर बात करें तो इसकी डैमेज की मतलब कंडीशन ये है कि भी ये केवल जो है जो स्टेम होती है उनको ये छोड़ते हैं, बाकी सारी चीज़ों को ये खा लेते हैं। और पॉलीफेगस कैटेगरी का है, मतलब ये सारी तरह की वेजिटेशन और क्रॉप्स को खाता है। कुछ फसलें जो है, कुछ जो पेड़ है उनको ये वेजिटेशन को ये छोड़ते हैं, जैसे कि इसके अंदर ये कैलियोट्रोपस आक जिसे हम कहते हैं, नीम को ये जो है मतलब खाते नहीं है, जामुन को नहीं खाते हैं। इसी तरीके से सीसम जो होता है, डलबर्जिया सिसु जिसे हम कहते हैं, सीसम जो होता है उनको ये छोड़कर, मतलब ये गिने चुने कुछ वेराइटी को छोड़कर प्लांट की, बाकी सारों को जो है मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से डैमेज जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, और 100% डैमेज होता है इसके अंदर। हम बात करेंगे कंट्रोल के रिगार्डिंग, तो कंट्रोल जो है मतलब ये एक छोटे स्केल पर मतलब हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे जो है स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा जो
पूरा जो है मतलब देश की गवर्नमेंट या हम कह इसके भी कई देश जो है मिलकर इसके अंदर जो है इसके रोकने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़े स्तर का जो है प्रोजेक्ट होता है। इसके अंदर हम कुछ इसके रिगार्डिंग जो है बात करेंगे, लोकस्ट इंटेलिजेंस एंड वार्निंग। तो हम सबसे पहले ये जो इसका जो एक बड़ा जो ग्रुप आता है उस ग्रुप को हम एक तरीके से मॉनिटर करते रहें। तो उसके लिए देखो यहाँ पर इंटरनेशनल लोकस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लंदन के अंदर जो है एक इंस्टीट्यूट है जो मतलब वर्ल्ड के अंदर किस किस जगह पर कहाँ कहाँ ये जो मतलब इसका जो एक तरीके से दल जो है वो पहुँचा है उसकी सारी की सारी मॉनिटरिंग करता है और उसके रिगार्डिंग जो है गाइडलाइन जो है वर्ल्ड लेवल तक पूरे देशों को एडवाइजरी जो है वो क्या करता है ये जारी करता है। इसी के साथ में हमारे इंडिया के अंदर भी इसी तरीके का जो है मतलब इंडिया ऑर्गेनाइज दी लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन 1939 के अंदर जो है लगभग ये इंडिया का एक संस्थान है जो उसने लोकस्ट मॉनिटरिंग के लिए जो मतलब इंस्टीट्यूट को स्थापित किया है, जिसमें चार सर्किल बनाए गए हैं। चार सर्किल के अंदर बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और गुजरात के अंदर जो है पालमपुर जो है मतलब ये इस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। इनका काम क्या होता है कि भी ये पर्टिकुलर जो है मतलब जो झुंड होता है उस झुंड की जो है मतलब स्पीड को, उसका आकार क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है और उसके रिगार्डिंग जो है मतलब ये सारे के सारे डाटा जो है उसको ये उपलब्ध करवाता है। तो ये तो हुई इसके मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग, मतलब बचाव ही सुरक्षा है तो उसके रिगार्डिंग सतर्क रहना जो है वो काफ़ी बड़ा एक प्रोजेक्ट जो है हम इसके बचाव के हिसाब से कर सकते हैं इस तरीके से। दूसरा एक तरीका रहेगा इसके अंदर स्वार्म को जो है मतलब हम एक तरीके से पनपने से कैसे बचाएं या फिर उनके जो है मतलब ब्रीडिंग जो एरिया है मतलब जहाँ पे इसने जो है रात भर शेल्टर किया है, आश्रय किया है, वहाँ उस जगह पर हम उसका कैसे जो है मतलब रोकथाम कर सकते हैं। तो उसके लिए देखें इसके अंदर यहाँ पर जो अंडे दिए जाते हैं ज़मीन के अंदर, उन अंडों को आप देखो किस तरीके से करें। एग्स आर डिस्ट्रॉयड बाई डीप प्लॉइंग, मतलब गहरी जुताई कर दें, जैसे कि आप ये देख रहे हो अभी एक ट्रैक्टर की हेल्प से जो है मतलब गहरी जुताई की जा रही है। तो गहरी जुताई से जो अंडे बाहर की तरफ आ जाते हैं तो उनकी जो इनक्यूबेशन है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और इस तरीके से अंडे भी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। एक और तरीका भी रहता है वाटर लॉगिंग, जल भराव यदि हम कर दें उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर तो उस जल भराव से भी अंडे जो है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से हम जो अंडे से छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं इनके निम्फ जो है उनको हम एक तरीके से जो जहरीला पदार्थ खिलाकर या एक तरीके से जहरीला भोजन जो है देकर हम क्या कर सकते हैं उससे एक तरीके से हम उनको मार सकते हैं। तो पॉइजन बेट जो है उसको हम नीम को दे सकते हैं। इसी तरीके से कुछ स्प्रे भी हम करें, स्प्रे के अंदर जैसे कि एल्ड्रीन, डाई एल्ड्रीन जो केमिकल है उसको आप क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे करने का तरीका जो है वो वाइल्ड लेवल पर होता है, काफ़ी मतलब बड़े स्तर पर होता है जिसमें हम आदमी के द्वारा जो है मतलब एक तरीके से मैन पावर को भी यूज़ कर सकते हैं। मैन पावर के साथ साथ आप जो है मतलब जैसे कि आप ट्रैक्टर या फिर कोई बड़े स्प्रेयर की हेल्प से भी है। इवन कई बार ऐसे भी देखा गया कि भी बड़े स्तर पर यदि इस प्रोजेक्ट को चलाना हो तब उस कंडीशन के अंदर एयरक्राफ्ट जो है उसकी भी हेल्प ले सकते हैं स्प्रे करने के लिए। तो ये एक तरीका हो सकता है। इसी तरीके से एक और तरीका रहता है इसके अंदर, इनकी खासियत ये रहती है कि भी चाहे अडल्ट हो या इनके निम्फ होते हैं वो आवाज़ या साउंड से ये एक तरीके से उनको आप आगे की तरफ धकेलते रहते हैं और धकेलने की इस प्रक्रिया के दौरान आप क्या करेंगे कि भी उनके सामने एक गहरी खाई खोद देंगे और जो ट्रेंचिंग या खाई जो खोदी गई है उस खाई के अंदर जो है मतलब ये एक तरीके से गिर जाते हैं। और गिरने के बाद में आप किसी भी तरीके से चाहे उसको केमिकल तरीके से या आग की सहायता से आप उनको जो है अडल्ट या निम्फ को क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। इसी तरीके से इनको मारने का तरीका एक और भी होता है जिसमें आप फायर थ्रोअर जिसे हम कहते हैं मतलब आग फेंकने वाला जो यंत्र होता है उसकी हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, इसको आप मार सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेन तो इसके अंदर बचाव के तरीके ही है, या बड़े स्तर पर जो है मतलब प्रोजेक्ट को चलाकर आप क्या कर सकते हो इसको जो मतलब आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। डैमेज को तो जो है मतलब कंट्रोल किया जाएगा आगे के हिसाब से, लेकिन जहाँ जिस एरिया के अंदर ये पनप जाते हैं वहाँ पर एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डैमेज ये करते हैं। इसी तरीके से
प्रिवेंटिंग क्रॉप जो है, मतलब हम बात करें तो फसलों को बचाने के लिए एक तरीका हो सकता है। संभावना लगे कि भी जिस दिशा की तरफ ये झुंड आने की संभावना, तो वहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये सजेस्ट किया गया कि भी नीम ऑयल जो है उसको यदि स्प्रे किया जाए, मतलब जो फसल है उसके ऊपर नीम ऑयल को स्प्रे किया जाए, तो उससे ये मतलब डैमेज नहीं कर पाते। तो इस तरीके से ये एक सजेशन रहेगा स्प्रे के तौर पर फसल को बचाने के लिए। तो इस तरीके से मतलब हम यहाँ जो है मतलब इसके जो है मतलब कंट्रोल के रिगार्डिंग डिस्कशन किया। एक और स्लाइड जो है मैं आपको दिखाऊंगा, जिस स्लाइड में आप देखेंगे कि भी इसकी जो मतलब एक तरीके से डेंजरस जो कंडीशन है वो किस तरीके से होती है, कितना बड़ा जो है मतलब ये एक दल या झुंड जो है वो इस तरीके से अटैक करता है, तो उसकी जो है हम थोड़ी सी इमेजिनेशन करेंगे इस फोटोग्राफ की हेल्प से। तो यहाँ देखें, इसके अंदर ये कुछ फोटोग्राफ है जिसमें आप यहाँ एक पेड़ के ऊपर जो है मतलब यहाँ ये जो एक व्यक्ति है जो इसको भगाने का प्रयास कर रहा है, इसी तरीके से आप देखें इसमें कि भी ये एक व्यक्ति और है जो इसके मतलब जो मेंबर है उनकी संख्या को आप देख रहे हैं, साथ में झुंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बड़ा है। इसी तरीके से एक पेड़ के ऊपर जो है मतलब ये केवल मात्र जो है मतलब उसने जो उसकी स्टेम को छोड़ा है, बाकी सारों को जो इसने ख़त्म कर दिया। इसी तरीके से एक फ़ोटोग्राफ में आप देखें कि भी इतने ज़्यादा मात्रा के अंदर ये मेंबर जो है वो इस तरीके से इसमें लगे हुए हैं। इसी तरीके से आप देखो फसल को नुकसान पहुँचाने का डैमेज के हिसाब से ये देखें कि भी कितनी ज़्यादा मात्रा में ये इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ इस फोटोग्राफ में ये दिखाया जा रहा है किस तरीके से ये साउंड से आवाज़ से जो है मतलब एक तरीके से किस तरीके से जो है मतलब अपने फसल को जो ये किसान जो है वो बचा रहे हैं। इसी तरीके से ये एक बड़े स्तर पर जो है मतलब प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसमें स्प्रे किया जा रहा है, जिसमें दवाइयों का स्प्रे किया जा रहा है, जिसमें ये एक फायर ब्रिगेड को जो है यूज किया जा रहा है स्प्रे के लिए। इसी तरीके से आप देखें इसके अंदर कि भी ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे जो है किए जा रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंगली एक और इंटरेस्टिंगली पॉइंट हम डिस्कशन करें इसके अंदर कि भी कुछ देशों के अंदर इसका नुकसान होने के साथ साथ कुछ लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं, इसको जो मतलब एक तरीके से फूड के रूप में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ गरीब देश जो है अफ्रीका के अंदर जो है इससे कई प्रकार के जो है डिलीशियस व्यंजन भी बनाए जाते हैं, तो एक तरीके से ये इसका प्लस पॉइंट रह सकता है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुँचाने के हिसाब से ये जो है काफ़ी मतलब एक डेंजरस कैटेगरी के अंदर जो है इंसेक्ट के अंदर इसको क्या किया गया, शामिल किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत सारी जानकारी इसके अंदर आपको मिली होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।